नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के कितने वोट बढ़ जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की वजह से बीजेपी की कितनी सीटों पर जीत पक्की हो जाती है। 2014 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से बीजेपी में क्या क्या बदला है और 2024 के चुनावों को मोदी को लेकर क्या फैक्टर्स जोड़े जा रहे हैं, आज इन सवालों पर विस्तार से हम बात करने वाले हैं। जब मैदान में मोदी आते हैं तो कितना वोट बढ़ाते हैं, आज द पीएम फैक्टर एक सवाल को डिकोड करेगा। आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, ये मोदी थकता क्यों नहीं है, ये मोदी रुकता क्यों नहीं है। अरे कोई और होता तो मौज करता, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है, मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, एक बार प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सालासर बालाजी की तस्वीर देकर अब स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी ने देश में जो काम किए हैं उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी। चौदह में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं पटक सकती। अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखो, आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। विशेष रूप से माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। तीन तलाक के खिलाफ हमने सख्त कानून बनाकर मुस्लिम बेटियों की जिंदगी बचाने का काम किया। अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी। दिए जले, आग नहीं लगी। बीजेपी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। साल 2009 बीजेपी को 116 सीट। संकल्प कर लो कि हम सरकार को मजबूर करेंगे। साल 2014 बीजेपी को 282 सीट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2019 बीजेपी को 303 सीट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2024 मोदी फैक्टर से कितनी सीट। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को
400 पार। आज द पीएम फैक्टर में भारत की वोटिंग का मोदी फैक्टर जानेंगे। आज पिछले चुनावों में पड़े वोट और जीत के आंकड़ों को खंगालेंगे और पता करेंगे नए भारत में नरेंद्र मोदी नाम पर कितने वोट पड़ते हैं। 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती और मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का क्या रोल है? मोदी फैक्टर बीजेपी को कितने वोट दिलाता है? मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के बाद बीजेपी की किस्मत कैसे बदली? इसे समझने से पहले देश के मतदाताओं की उस नब्ज को समझना होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चौबीस के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 दिनों में राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी सभाएं की हैं। अपनी चुनावी रैलियों में हजारों लोगों की भीड़ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं, पुराना वादा पूरा हो गया, अब सामने नया इरादा है। मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर, अभी तो बहुत कुछ करना है। नरेंद्र मोदी साल 2009 के चुनावों में बीजेपी का चेहरा नहीं थे, तब बीजेपी सिर्फ 116 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, देश में मोदी फैक्टर की सुनामी आ गई। साफ है 2014 से ही मोदी फैक्टर का बीजेपी की चुनावी जीत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने दम पर बीजेपी को कितने वोट और सीटें दिलाते हैं। मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरा बच
वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में आए और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। बीजेपी के दिग्गज नेता भी मानते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर वोट मिलता है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता हैं और बड़े फैसले लेते हैं। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है। दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब के वो लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। सवाल ये है कि मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने से बीजेपी के वोट में कैसे बदलाव आया, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जनता पार्टी में विभाजन के बाद 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ दो लोकसभा सीटें जीती। लेकिन 1989 के चुनावों में ये दो सीटें बढ़कर 85 तक पहुंच गई। इसके बाद 1991 में बीजेपी सबसे ज्यादा 468 सीटों पर चुनाव लड़ी और उनमें से 120 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1996 में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे को आगे रखकर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली। इसके बाद 1998 में फिर चुनाव हुए, बीजेपी ने 182 सीटें हासिल की। 1998 और 1999 में बीजेपी ने गठबंधन सरकारें बनाई, लेकिन 2004 में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और पार्टी 138 सीटों पर सिमट गई। 2009 में तो सिर्फ 116 सीटें ही आईं। ये वक्त बीजेपी के लिए संकट काल का था, लेकिन 2014 के चुनावों में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद और अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 282 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2019 में तो मोदी के नाम की आंधी सुनामी में बदल गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा। पिछले 10 सालों में चुनाव चाहे लोकसभा के हों या राज्यों की विधानसभाओं के, नरेंद्र मोदी के चेहरे ने बीजेपी को बम्पर सीटें दिलवाई हैं। लेकिन सवाल है कि ये सीटें चुनावी गुड़ागणित की वजह से मिली हैं या बीजेपी का वोट बैंक भी इतनी ही तेजी से बढ़ा है। ये मोदी गरीबी से तपकर आज यहाँ पहुंचा है। बीजेपी को 1984 के चुनावों में सिर्फ 1,80,00,000 वोट मिले थे। 1989 के चुनावों में ये मत 3,40,00,000 था। 1991 में बीजेपी को देश भर में 5.5 करोड़ वोट हासिल हुए। 1996 में 6,80,00,000, 1998 में
9,40,00,000, 1999 के चुनावों में 8,70,00,000 वोट हासिल हुए। 2004 में बीजेपी के वोट फिर घट गए, बीजेपी को 8,60,00,000 वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के वोटर और कम हो गए, बीजेपी को सिर्फ 7,80,00,000 वोट हासिल हुए। लेकिन 2014 में जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा, बीजेपी का वोट 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। 2014 के चुनावों में बीजेपी को 17,20,00,000 वोट हासिल हुए थे, यानी 2009 की तुलना में मोदी के चेहरे ने बीजेपी को 9,40,00,000 ज्यादा वोट दिलवाए। 2019 में बीजेपी ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया, बीजेपी के कुल वोट 2014 के 17,20,00,000 से बढ़कर 22,90,00,000 हो गए। देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने बड़े करिश्मे की उम्मीद क्यों है? बीजेपी को इसकी वजह मोदी लहर लगती है। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों की तुलना से एक पैटर्न सामने आता है जो मोदी लहर का असर बताता है। देश भर की 127 सीटें ऐसी हैं जहां 2009 की तुलना में 2014 में बीजेपी के वोट शेयर 20% से ज्यादा बढ़ गए। 2009 में इन 127 सीटों में से बीजेपी की सिर्फ 5 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी 127 में से 104 सीटें जीत गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे ने बीजेपी को ना सिर्फ 99 नई सीटों पर जीत दिलवाई, बल्कि इन सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर भी 20% से ज्यादा बढ़ा दिया। जिस मुस्लिम वोटर को बीजेपी से दूर समझा जाता था, अब उन मुस्लिम वोटर का भी एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दे सकता है। मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। अब मोदी वेव वाली इन 127 सीटों की राज्यवार तस्वीरें देख लीजिए। 2014 में मोदी लहर में 20% से ज्यादा बढ़े वोट वाली सीटें उत्तर प्रदेश में 53 थी, जिनमें से बीजेपी ने 49 सीटें जीत ली। बिहार में ऐसी 16 सीटें थी जिसमें से बीजेपी ने 12 सीटें जीती। राजस्थान में ऐसी 11 सीटें थी और सभी पर बीजेपी की जीत हुई। महाराष्ट्र में ऐसी 9 सीटें थी, हरियाणा में 6 सीटें, आंध्र प्रदेश में 7 सीटें, असम में 6 सीट, गुजरात में 3 सीट, झारखंड में 3 सीट, उत्तराखंड में 3 सीट, पश्चिम बंगाल में 3 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1 सीट और तमिलनाडु की 4 सीटें ऐसी थी जहां 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट 20% तक बढ़ गया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से गोवा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में बीजेपी का वोट बैंक तेजी से बढ़ा। बीजेपी इन्हीं वोटर्स को मोदी वोट कहती है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।